आ रहे हैं तो वो करा सकते हैं। तो मैं वही ये पूछ रही थी कि जो शाह साहब डिफरेंट अलूम पे जो अबूर हासिल रूहानी, तो वो जो बताते हैं आप वो, वो जो है एक तो है कि इरसाल हवा पे, आपने उस जमाने में ये पहना था आपके वो पुराने ये सब पुराने उलूम हैं, ये सारे जितने देखें रूहानी उलूम जितने हैं वो सारे हज़रत अली से चले आए। अगर मिसालें दी जाएँ तो वो बहुत सारी मिसालें देने को, हज़रत अली से लेकर अब तक बहुत सारी मिसालें, लेकिन जो बेसिक उलूम है ना जिनका इस्तेमाल किया जाता एक है। कॉल ले जी लेते हैं। हेलो सलाम अलैकुम। हेलो हेलो, आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए हेलो जी। हेलो सलामकुम वालेकुम सलाम। ईशा साहब से बात करनी है, मैंने पूछना था। मेरा नाम रुबीना है और मेरी बेटी का नाम सोनी है, तो इसकी एज 28 साल हो गई है, तो मुझे कोई रिश्ता नहीं आ रहा, तो मैंने इसके लिए कुछ पूछना था शाह साहब से। रिश्ता नहीं आ रहा, रिश्ते के हवाले से? जी, अच्छा ठीक है, हम क्योंकि बिल्कुल इसकी शादी कहीं आप जल्दी हो जाए, कहीं पढ़ने के लिए कुछ दें। ठीक है, हम रूहानियत के हवाले से बताते हैं, वज़ाइफ तो बाकी आपकी मर्जी जी। शाह साहब जी सलामकुम बाजी। वालेकुम सलाम जी जी, बाजी शाह साहब क्या हाल है? जी ठीक है, मौला पंजतन पाक का करम। बाजी ये मुझे बताएं कि ये सोनिया जो है इनका पूरा नाम बता सकेंगे प्लीज? इसका पूरा नाम सोनिया मिर्जा है सोनिया मिर्जा। जी, ठीक है, अच्छा वालिद का पूरा नाम अगर बताना चाहें तो? उनका मोहम्मद तारिक मिर्जा। तारिक मिर्जा, मोहम्मद तारिक मिर्जा या खाली तारिक मिर्जा? नहीं, हाली तारिक मिर्जा। खाली तारिक मिर्जा, पक्की बात है ये? जी। और मेरा रुबीना नाज। रुबीना नाज। जी बाजी ये सोनिया जो है मीडियम हाइट है? हाँ जी, इसकी हाइट ठीक है, 5'7" है इसकी हाँ तो हाइट। मीडियम हाइट, मीडियम हाइट हो गई है, बिल्ड भी मीडियम है। जी बाल जेट ब्लैक है? जी ठीक है, ब्राउनिश हल्के 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 सॉरी लाइट ब्राउन पे। नहीं, ये वो कलर लगे हुए हैं या वैसे बचपन से जेट नहीं ब्लैक नहीं था? वैसे ही इसकी कुदरती, क्या कह रहे कहने हैं? कुदरती बचपन से। कुदरती बचपन से, अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरी चीज ये मुझे बताएं कि रिश्ते आते नहीं हैं या आते हैं तो बात आगे नहीं बढ़ रही? हाँ जी, कुछ आ भी नहीं है तो बात बढ़ भी नहीं रही, और कोई आ भी नहीं रही, कोई अच्छा उसकी मर्जी मुताबिक पसंद भी नहीं आता है। अच्छा ना जो है सोनिया की तरफ से ज्यादा हो रही है या दूसरी तरफ पलट के नहीं आते दूसरी पार्टियां? पर जो इसको पसंद आता है उनको नहीं पसंद आता, जो ये उनको लगता है इसको नहीं पसंद आता। ठीक है, अच्छा ये मुझे बताएं कि जो आखिरी रिश्ता था ये पाकिस्तान से आया था कहीं से? नहीं, पाकिस्तान से ही था, इधर से ही था। इधर से ही था। दुबला पतला लड़का था? जी, घर हेलो घर आया था आपके? जी, हाँ जी घर आया था। डार्क कलर जी के कपड़े पहना हुआ था? हाँ जी, बस ठीक से डाक भी थे। ये जो अभी जो रिश्ता आया, हाँ लास्ट। हाँ जी अभी जो आया ना, ये जून में एक लड़का का रिश्ता, वो इसको पसंद था, उसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी थी, लेकिन वो इसको पसंद था लेकिन उसको नहीं पसंद आया। हाँ ठीक है, समझ गया। अच्छा अब बाजी एक काम करें, जी एक तो ये कि एक सदका करवा दें बेटी का पाकिस्तान में, जी और ये जरा जी टेक्निकल काम है, किसी के शादी का जोड़ा दिला दें लड़की के, कोई गरीब औरत किसी गरीब लड़की की शादी हो रही अच्छा, है। शादी का जोड़ा ठीक हाँ है। शादी का जोड़े सदके में, यानी कि वो भिजवा दें अच्छा, यहाँ से तो या फिर कोई पैसे भिजवा जैसे दें? लड़की ने पहले दिन बहन था, तो जौन सा मर्जी जोड़ा बना दे दे, मगर नहीं ये शादी का जोड़ा बनवाना पड़ेगा आपको। लड़की की शादी का जोड़ा। अच्छा हाँ लड़की की शादी का जोड़ा, यानी कि सदके में जो है आप किसी गरीब लड़की की शादी का जोड़ा बनवा के दे दें अपने बेटी के नाम से। अच्छा अच्छा ये ठीक एक बहुत, ये है। एक बड़ा अजीब सिस्टम है लेकिन ये हमारे सिलसिले की चीज़ है। हमारे पास जो सिलसिले से हमारे मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो बाकियों के जो अच्छा जी ठीक है मसाइल हैं। अच्छा एक तो ये सदका दिलवा दें कोई भी जोड़ा, और जोड़ा जी, कोशिश करें कि लाल हो या मरून हो, अच्छा ठीक है। ठीक है ना? और अच्छा ये बताइए ये सोनिया जो है डार्क कलर ज्यादा पहनती है? हाँ जी, ये डार्क ही पहनती है। हाँ डार्क ही पहनती है। अच्छा ये कोशिश अब जी, ये भी करें मिक्सी कि कभी हल्का इनको लेकिन ज्यादातर ही डार्क ही होती है। हाँ इनको जो है कोशिश ये भी करें कि ये अब थोड़ा सा ब्राइट कलर पहने,
क्योंकि ब्लैक ज्यादा पहनती हैं जिसकी वजह से एक और ही मसला है। हाँ जी ब्लैक ज्यादा पहनती हैं। हाँ बस मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा तीसरी चीज ये मुझे बताएं कि इनके भाई बहन कितने हैं? ये चार बहनें हैं और एक भाई है, तो ये पांच, सबसे बड़ी है। हाँ पांच कुल हो गए ना जी। ठीक है। अच्छा इनसे छोटे किसी की शादी हुई अभी तक? नहीं हुई है। नहीं वो मेरी छोटी बेटी है सारा, उसकी बातचीत चल रही है। दूसरे नंबर पे है वो सारा, उसकी बातचीत। अच्छा, ये मुझे बताएं सोनिया कहीं काम करती है? छोटी जो है वो ए लेवल में है, तो बेटा जो है वो सबसे छोटा वो भी ए लेवल में है। अच्छा ये सोनिया जो है कहीं काम करती है? नहीं काम नहीं करती है, अभी बस ढूंढ रही है कोई जॉब वगैरह। अच्छा जॉब वगैरह ढूंढ रही है। जॉब पहले कर रही थी, छुट्टी है कहीं है वैसे ही? ये नहीं नहीं है। कोई भी नहीं कर रही है। कोई भी नहीं कर रही, मिल ही नहीं रही अभी। थोड़ा परेशान भी है बाजी। हाँ जी बड़ी परेशान है। मैं बड़ी परेशान हूँ इसकी वजह से। मैं पढ़ने को बताता हूँ कुछ, ये छोटी छोटी चीजें बताऊंगा थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है ना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 300 दफा रोजाना, 3 तस्बीहां 300 दफा रोजाना। हाँ 3 तस्बीह जिस टाइम मर्जी पढ़ लें, जिस टाइम मर्जी पढ़ लें, मगर हो जानमाज पे जैसे वजीफे का तरीका होता है, चलते फिरते हुए। मैं वो टेबल पे पढ़ती हूँ ना, मैं जानमाज से नहीं बैठ सकती, टेबल पे ठीक है। हाँ टेबल पे ठीक है, जैसे जो जहाँ आप जिस पोजीशन में नमाज पढ़ते हैं ना उस पोजीशन में पढ़ना है वजीफा। चलें ठीक है, ठीक है ना, चलते फिरते हुए मैं कोई चीज नहीं बताता। अच्छा ये हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरी चीज ये कि 300 दफा, तीसरी चीज ये कि आप पढ़ें या रजा को। आपने ये दूसरी चीज बताइए, या रजा को पढ़ना है 308 दफा हर नमाज के साथ। 308 दफा हर नमाज के बाद, क्योंकि रिस्क के भी मसला है आपके घर थोड़ा सा अभी इन दिनों। रिस्क के हवाले से या रजा अच्छा। को 308 दफा हर नमाज के साथ। अच्छा बाकी ये के बेटी की नौकरी के लिए बता रहा हूँ, सूरह रहमान एक दफा पढ़नी है। सूरह रहमान एक दफा। हाँ और वो जरा शाह साहब वो सूरत तो मैं नहीं पढ़ सकती, तो बेटी पढ़ लेगी इसको, मैं कहूंगी ना। हाँ अगर बेटी पढ़ लेगी तो बहुत अच्छी बात है, बेटी अगर पढ़ ली है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर बोलेंगे सूरह वाकिया भी पढ़ लें वो। अब बस इसकी शादी का है, किसकी शादी के लिए इसका ये प्रॉब्लम। हाँ, शादी के लिए भी बता रहा हूँ, ये रिस्क के हवाले से 2-3 चीजें बताई है मैं, शादी के लिए भी बता रहा हूँ कि इन्होंने पढ़ना है सूरह मुमतैना रोजाना जी। सूरह मुमतैना सूरह नंबर 60 मुमताना जी, कुरान के अंदर है। आवाज आ रही जी आप? अच्छा आवाज अब आ रही है? हाँ जी अब आई है। हाँ सूरह मुमतैना कुरान में है सूरह नंबर 60 जी, और इसके साथ जो इसम लगा के पढ़ना है वो इन्होंने पढ़ना है या मुताल्लो। वो किस तरह? जैसे कि जो सूरह पढ़ ली उसके बाद जो है सिर्फ या मुताल्लो पढ़ना है 541 times। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा हर रोज ये रोजाना पढ़ना है? अच्छा ठीक है ना। और ये जब नौकरी लग जाएगी जिस वक्त, तो सूरह रहमान बंद कर देंगी, सूरह वाकिया कंटिन्यू रखेंगी, तो जिंदगी में मसला नहीं होगा इनके कोई इंशाल्लाह। अच्छा क्योंकि अभी जो है ना, मैं ये भी बता दूं कि देखें मैं वैसे बता रहा हूं कि अभी जो इनका टाइम है अभी तो ठीक जा रहा है, अभी ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन ये नवंबर के एंड में ना ज्यादा परेशानी आएगी इनको। अच्छा और ये वैसी परेशानी होगी, सुने वैसी परेशानी होगी जैसे इनको 1.5 साल पहले आई थी। अच्छा हाँ 1 से 1.5 साल पहले इनको परेशानी आई थी, अब मैं बता नहीं सकता बिकॉज ऑन एयर है, तो ये आप समझ जाएं बातों में कि थोड़ी सी वैसे परेशानी आएगी मगर निकल जाएंगे इसमें, ये पढ़ती रहे बस ये। अच्छा नहीं सूरह वाकिया कंटिन्यू करें, एक दफा जॉब लग गई सूरह रहमान बंद कर दें, सूरह मुमतैना और या मुताल्लो शादी के लिए है, सूरह वाकिया ये परेशानी से निकाल देगा, ये
या नवंबर जो शादी के लिए है जो सूरत बताई जी जी जी, और नवंबर से लेकर खास तौर पे तकरीबन जनवरी तक थोड़ा परेशानी का पैच है, फिर खत्म हो जाएगा ये, तो इसमें परेशान मत होइएगा। तो शाह साहब